हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, विल डिस्कस टुडे द सेकंड क्लास ऑफ चैप्टर आर एनवायरनमेंट। इन द प्रीवियस क्लास, इन द फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टुडे इन द सेकंड क्लास विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। सो इन द फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम क्या है। द रिलेशन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज नॉन एज इकोसिस्टम। द रिलेशन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स and abiotic components is known as ecosystem। In the previous class हमने discuss किया था कि एक ecosystem के जैसे वहाँ के abiotic components होंगे उसी तरह के वहाँ के biotic components होंगे। जैसे एक pond है वो एक ecosystem है, पॉन्ड के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स है लाइक वाटर है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो पॉन्ड के अंदर वो एनिमल सर्वाइव करेंगे, दे कैन टेक द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड इट इज द ओनली द गिल्स दे कैन टेक द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन वाटर। सो इन द पॉन्ड ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव, दे कैन रेस्पायर थ्रू द गिल्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है लाइक फिशेज हैं, दे हैव द गिल्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लाइक माउंटेन एक इकोसिस्टम है, एक पार्क एक इकोसिस्टम है, एक रिवर एक इकोसिस्टम है। आज हमने डिस्कस करना है द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। सो द इकोसिस्टम इट इज मेड अप ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स है, दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स, दे आर द लिविंग बॉडीज ऑफ द इकोसिस्टम। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल है एयर है, वाटर है, सॉयल है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, एक्सेट्रा। ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू three parts, that is what producers consumers and decomposers। producers the plants, plants are producers, they are known as producers because they can, the plants are producers because they can make their own food, so they are the producers। plants hai, they have autotrophic mode of nutrition, they have autotrophic mode of
न्यूट्रिशन, दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कंज्यूमर्स विच डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, दे आर द कंज्यूमर्स. और कंज्यूमर्स है, दे हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द कंज्यूमर्स depends on producers for the requirement, that's why they have heterotrophic mode of nutrition. Or decomposers hai, for example bacteria hai, fungus hai, ye sab decomposers hai. If the plants are releasing their waste, if the animals are releasing their waste, matlab whatever the plant waste and animal waste are released, that is the organic substances. These organic substances, they convert into simpler form and they get mixed into the soil, that is with the help of decomposers. So decomposers, they have an important role in ecosystem. तो आपको तीन नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स. तो डीकम्पोजर्स का अगर हम सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस की बात करें, अगर हम इनके सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस की बात करें, तो ये CBSE का एक तीन नंबर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिस इज़ ए 3 marks important question for CBSE. What is the importance of decomposers? So decomposers ka pehla significance hai, they act as cleaning agents of environment. They act as cleaning agents of environment. आप देखते हैं कि कहीं पे गाय भैंस है गोबर कर देती है और 2-3 दिन के अंदर वो गोबर है वहाँ से ख़त्म हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ डीकम्पोजर्स. आप एक फॉरेस्ट के अंदर जाओ, आपको कभी भी वहाँ पे बदबू नहीं आएगी. एक फॉरेस्ट के अंदर आपको सुहाना लगेगा क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम है. नेचर हैव इट्स ऑन क्लीनिंग एजेंट्स एंड द ऑन क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द नेचर आर द बैक्टीरिया एंड फंगस. सो वट एवर द प्लांट वेस्ट और द एनिमल वेस्ट, इट इज़ रिलीज इन टू द फॉरेस्ट कवर और इन द हिली एरिया. जैसे आप सोलन है, शिमला है, इधर आप जाते हैं तो देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी और वहाँ पर पेड़ पौधों का जो वेस्ट है वो गिरता रहता है. आपको फॉरेस्ट के अंदर यू विल नेवर फील द अनटाइडी और अनक्लीन, वहाँ पे आप डर्टी कभी महसूस नहीं करेंगे. यू विल फील अ फ्रेश देयर. दिस इज बिकॉज ऑफ नेचर्स ऑन क्लीनिंग एजेंट्स. सो वट एवर द प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट आर देयर एंड दे आर हैविंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट कन्वर्ट इंटू सिंपलर फॉर्म and it get mixed into the soil. So this is with the help of decomposers. So they act as a cleaning agents of the environment. Or second point hai, they add to the nutrient pool of soil. They add to the nutrient pool of the soil. जमीन है, इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स. द सॉइल इज़ द स्टोर हाउस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स.
प्लांट्स आर टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। अगर एक पर्टिकुलर रेट पे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को लेते रहेंगे, ए टाइम विल कम द सॉइल विल बिकम डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट्स, जमीन के अंदर हमारा प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। प्लांट्स टेक्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स मेक देयर फूड, दे मेक देयर प्रोटोप्लाज्म बाय देयर ग्रोथ। प्लांट फूड इज टेकन बाय एनिमल, सो जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में गए फ्रॉम द सॉइल, वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स से चले जाएंगे एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स एंड एनिमल्स दे विल रिलीज द ऑर्गेनिक वेस्ट, इट कंटेन्स द लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दैट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। सो व्हाट एवर द ऑर्गेनिक वेस्ट और द प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट, इट इज रिलीज इन टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ दैम दैट कन्वर्ट्स इन टू एलिमेंटल फॉर्म एंड द एलिमेंट्स द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल, सो दे एड टू द न्यूट्रिएंट पूल ऑफ द सॉइल। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने जमीन का सॉइल का कंजर्वेशन करना है तो खेतों के अंदर देसी खाद डालो, गोबर डालो, खेतों के अंदर मैन्योर डालो, क्योंकि उसके अंदर प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट होता है दैट कंटेन लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दैट कंटेन्स लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स देयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट कन्वर्ट्स इनटू सिंपलर फॉर्म एंड दैट गेट मिक्स इनटू द सॉइल, सो दे ऐड टू द न्यूट्रिएंट पूल ऑफ द सॉइल। एंड द थर्ड पॉइंट, हेल्प प्ले important role in biogeochemical cycles, play the important role in biogeochemical cycles. The cycling of materials from the biological world and the physical world is known as biogeochemical cycles. Like nitrogen cycle है, carbon cycle है, oxygen cycle है, water cycle है, so ये biogeochemical cycles है, and the cycling of materials occurs through them with the help of decomposers. So this is the importance or the significance of decomposers. तो nature have its own cleaning agents, that is what bacteria and fungus, और ये इसकी importance है। एक अच्छा awareness का discussion है कि nature अपनी सफाई खुद कर लेती है। अगर नेचर के अंदर हम इंटरफेयर ना करें, गंगा का पानी इतना पवित्र माना गया है कि गंगा का पानी हम घर पे लाके रखें तो साल भर तक उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, दो साल तक उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो गंगा के पानी में ऐसा क्या है कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं? तो गंगा का पानी है उसमें कीड़े न पड़ने का बहुत सारा कारण है कि एक तो गंगा के पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा है, वो इतना एल्कलाइन है कि माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए वो सपोर्ट ही नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, गंगा है वो ग्लेशियर्स से आती है और ग्लेशियर्स बनते हैं स्नोफॉल से, और स्नोफॉल होती है वेपर के कंडेंसेशन से, एंड वेपर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। आप कीचड़ को गर्म करो उससे वेपर्स उठेंगी, तो वेपर्स जब ऊपर जाएंगी और वो जब कंडेंस होकर वापस पानी बनेगी, तो वो पानी आपके लिए प्योर है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। हमारे फौजी हैं, फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कई बार ऐसी जगह फंस सकते हैं जहां पर आपको कीचड़ से पानी निकाल के पीना है, तो फौजी क्या करते हैं कि कीचड़ के चारों ओर आग लगा देते हैं, और वहाँ पर क्या है कि नीचे जस्ट उसके ऊपर स्टैंड बना के एक बड़ा सा तसला रख देते हैं, और ऊपर कंडेंसेशन के लिए एक शीट लगा देते हैं,
शीट के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, तो जैसे ही आग को जलाएंगे वो कीचड़ है गर्म होगा, कीचड़ गर्म होगा तो वाटर वेपर्स है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स। इसी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि नेचर अपनी सफाई खुद कर लेती है अगर ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो हो। अभी आप देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान गंगा का पानी है इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि लोग उस गंगा के पानी को आरओ का पानी समझ के, उसको बिस्लेरी का पानी समझ के पी रहे थे, और जितने भी संत वगैरह हैं जो गंगा के किनारे रहते हैं वो गंगा का पानी पीते हैं। अब लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ कि लॉकडाउन के अंदर कि सो कॉल्ड द होली रिवर, देश भर से दुनिया भर से लोग जाते हैं और वहाँ पर अस्थियाँ वगैरह का विसर्जन वगैरह करते हैं। कुछ जगह लोग डेड बॉडीज़ को रिवर गंगा के अंदर फेंकते हैं। तो डंपिंग ऑफ वेस्ट, ये वाला वेस्ट हो गया, या डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे इलाहाबाद वगैरह कुछ फैक्ट्रीज हैं वो गंगा के किनारे हैं और गंगा के अंदर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप करती है। तो डंपिंग ऑफ वेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि नेचर के जो ऑन क्लीनिंग एजेंट्स है लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस वो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए गंगा का पानी है गंदा हो जाता है। कहा जाता है कि गंगा मैली हो गई है। कोरोना आया और कोरोना कारण लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन होने के कारण गंगा के अंदर जो डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो, और जो भी ह्यूमन वेस्ट है, ऑटोमेटिकली कम हो गया और गंगा का पानी साफ हो गया। तो कहीं भी जो भी नेचुरल फॉर्म है, चाहे वो एक वाटर बॉडी है, चाहे वो एक जंगल है, चाहे वो एक माउंटेन है, कहीं भी अगर ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो तो नेचर अपनी सफाई खुद कर लेती है। सो दिस इज़ व्हाट द रोल प्लेड बाय डीकम्पोजर्स इन क्लीनिंग द नेचर। तो ये हमारा डीकम्पोजर्स के बारे में। एंड नाउ विल हैव द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स तीन तरह के हैं, दैट इज व्हाट हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस है, दीज आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दीज आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल काउ है, बफेलो है, गोट है, रैबिट है, ये सब हर्बीवोरस है। दे आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दे आर ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर नॉन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स बिकॉज दे टेक देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, इसीलिए इनको बोला है प्राइमरी कंज्यूमर्स। कार्निवोर्स, दीज आर मीट और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, वो है कार्निवोर्स। इसका एग्जाम्पल है लाइक लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये कार्निवोर है। कार्निवोर में हम फर्दर दो टाइप कर देंगे, दैट इज व्हाट प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर एंड सेकेंडरी कार्निवोर।
जो प्राइमरी कार्निवोर है इसका एग्जांपल है वॉल्स, भेड़िया, ये प्राइमरी कार्निवोर है। तो प्राइमरी कार्निवोर को हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल देंगे। इसको सेकेंडरी कंज्यूमर इसलिए बोला है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, बिकॉज इट फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कार्निवोर एक सेकेंडरी कंज्यूमर है, और सेकेंडरी कार्निवोर का एग्जाम्पल है टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, ये सेकेंडरी कार्निवोर है। सेकेंडरी कार्निवोर को मैं टर्शियरी कंज्यूमर बोलूँगा, दिस इज टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर वो है जो सेकेंडरी कंज्यूमर से को खा जाए। तो एक टाइगर है या लॉयन है या लेपर्ड है, वो वॉल्स को खा जाएगा, तो ये एक टर्शियरी कंज्यूमर है। इसी के अंदर फिर एक और क्लासिफिकेशन आपका आ जाएगा जिसको कहेंगे क्वार्टरनरी कंज्यूमर। क्वार्टरनरी कंज्यूमर, जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर है उसको बोलते हैं टॉप कार्निवोर। दिस इज व्हाट द टॉप कार्निवोर, और इसका एग्जांपल है हॉक। हॉक है, ईगल है, ये हमारे क्वार्टरनरी कंज्यूमर है। जो टर्शियरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर, इनका किसी का भी मीट अगर पड़ा होगा तो हमारा जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर है वो सबका मीट खा जाएगा। सो दे आर द टॉप कार्निवोर। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरनरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर हमारे को एक अलग वर्ड मिल जाता है, दैट इज व्हाट ओमनीवोर। ओमनीवोर वो है, दे कैन टेक द वेज एज वेल एज नॉन वेज, मतलब दे कैन टेक मीट एंड ग्रास, से सिंपली इट इज अ प्लांट फूड। दे कैन टेक द मीट और द प्लांट फूड, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों खा लें, तो वो है ओमनीवोर। और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग है, कैट है, डॉग है, ये सब ओमनीवोर है। अब यहाँ पर बड़ा सोचने की बात है कि यार इंसान के साथ में कुत्ता और बिल्ली क्यों है, कि कुत्ता है, बिल्ली है, ह्यूमन बीइंग है, वो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। और जब बच्चों के आपस में झगड़ा होता है जनरली स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो जनरली लड़की लड़के को बोलती है झगड़े के अंदर कुत्ता कुत्ते, लड़की लड़के को बोलेगी, लड़का लड़की को बोलेगा बिल्ली। तो कुत्ता और बिल्ली की लड़ाई कहते हैं ना इन दोनों के बीच में, तो कुत्ता एंड बिल्ली की लड़ाई है। और कुत्ता और बिल्ली की गाली ही क्यों देते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, और वो लॉजिक ये है कि दे वी बिलोंग्स टू ओमनीवोर। तो ह्यूमन बीइंग है, कैट है, डॉग है, वी बिलोंग्स टू ओमनीवोर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। थैंक यू।